देखिए, ये तो हमने आपको कल ही दिखा दिया था कि भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी और ऋषि की मुलाकात हो गई, यानी कि वो फाइनली मिल गए। लेकिन अब थोड़ा सा रिवाइंड मोड पर चलते हैं, आपको उस पल पर लेकर चलते हैं जहां मिलने से एक कदम पहले मिलके भी नहीं मिल पाए थे ये दोनों, क्योंकि बीच में वो रंजीत जो आ गया था। ऋषि, तुम होश में भी हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? मैं वापस आ जाऊं तुम्हारे पास, सब कुछ वापस बता दूं। क्यों? क्योंकि तुम कह रहे हो, क्योंकि तुम चाहते हो। लक्ष्मी का भाग्य उसे क्या क्या दिन दिखाने वाला है उसे खुद नहीं पता। अब देखिए वो लम्हा जहां लक्ष्मी ऋषि से बस मिलने ही वाली है। वक्त ने उसे ऋषि के इतने करीब ले आया है कि बस 7 सालों का इंतजार अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऋषि और लक्ष्मी का मिलन अब तो दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हाय, बस एक टच से टू मच दूरी सिमट सकती थी, लेकिन रंजीत ने सारा मामला गड़बड़ कर दिया। बात दरअसल यह है कि रंजीत अपने साथियों के साथ लक्ष्मी को तलाश करता है, तभी लक्ष्मी आगे बढ़ती है ताकि वो किसी से मदद मांग सके। अब उसे क्या पता था कि जिससे वो मदद लेने जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि है। लेकिन रंजीत को जब लक्ष्मी देख लेती है तब वो भागने लगती है, और होगा भी यही कि ऋषि भी वहीं पहुंच जाएगा, उस गोडाउन में जहां लक्ष्मी से उसकी मुलाकात होगी। वैसे अब मलिष्का को महसूस होने लगा है कि ऋषि के साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और उसका डर भी सही है क्योंकि अब ऋषि लक्ष्मी की मुलाकात हो चुकी है। वहीं आयुष अभी भी शालू के ख्यालों में खोया हुआ है। हम लोग की पार्टी अभी चल रही है, मलिष्का और ऋषि की वेडिंग एनिवर्सरी। तो रोहन और पारो, रोहन ने डिसाइड करा कि रोहन और पारो कुछ डांस प्रिपेयर करा है, उन लोगों ने वो प्रैक्टिस करनी है रोहन को। तो पारो यहाँ पर आई नहीं है, तो रोहन थोड़ा स्ट्रेस्ड है कि अगर वो नहीं आएगी तो हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो शायद उसने मुझे बोला है कि फ़ोन करके पारो को बुलाएं जल्दी से। तो वही सीन था, तो एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि शायद शालू ने फ़ोन ले लिया और मैं स्टक हो जाता हूँ कि ये मेरी बात किससे हो रही है। और फिर मैं बोलता भी हूँ कि आपकी आवाज़ बहुत जानी पहचानी लग रही है, पर वहाँ से रानो रानो जी होती है, अपनी इंग्लिश बोल रही होती है, वो हिंदी इंग्लिश। सौभाग्य लक्ष्मी में अब कहानी में कुछ नयापन नजर आएगा, क्योंकि लक्ष्मी और ऋषि की मुलाकात के बाद अब दर्शकों को ये देखने में ज्यादा मजा आएगा कि भला अब दोनों का दिल कैसे जुड़ेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।